सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब। और रिसेंटली मैंने आईफोन XR का रिव्यू करा था, जिसके कमेंट सेक्शन में आप में से दो लोगों ने कहा है कि भाई आईफोन 11 का भी रिव्यू लाओ। तो फाइनली मैंने बाय कर लिया ये ऑफलाइन मार्केट से एक आईफोन 11, जो कि मैंने बाय की है मात्र 24,000 से 25,000 के बीच में। एंड जो ये वेरियंट है हमारे पास, ये है 128 GB। तो आज की वीडियो में इसका रिव्यू करने वाले, उसके साथ साथ करने वाले इसका गेमिंग टेस्ट, एंड देखेंगे 2023 में आपको एक कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देता है। तो बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वही ये रहा वो आईफोन जो कि मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन मार्केट से खरीद कर लाया हूँ। एंड यार, जब भी कोई डिवाइस ऑफलाइन मार्केट से या फिर सेकंड हैंड हम खरीदते हैं, तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड आप इस वाले आईफोन 11 की कंडीशन चेक करिए। ओवरऑल जो स्मार्टफोन है, डिस्प्ले बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिल जाती है, बैक साइड आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाती है। एंड अगर हम बात भी करते हैं इसकी बैटरी परसेंटेज के बारे में, बैटरी हेल्थ के बारे में, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी हमें कम देखने के लिए मिलती है, हालांकि जो इसकी बैटरी है वो फिलहाल यहाँ पर सर्विस मांग रही है, तो हमें चेंज करवानी पड़ेगी, तो नॉट अ बिग डील। बाकी कंडीशन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो उसके फ्रेमिंग है भाई, वो स्क्रैचलेस है। इधर की साइड आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, सिम ट्रे मिल जाएगी। एंड अगर हम बात भी करते हैं ना बॉटम साइड के बारे में, तो चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर ग्रिल, आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया गया है। एंड अगर बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में, तो यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर है, वॉल्यूम रोकर्स है, एंड बटन्स वगैरह भी मैंने देखे है कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। अगर बात करते हैं ऊपर की साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको प्लेन मिल जाती है। बैक साइड पर मिलता है आपको ड्यूल कैमरे का सेटअप, एक प्यारा सा एप्पल लोगो, एंड साथ में फ्लैश लाइट। बैक साइड पर आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ग्लास बैग आपको प्रोवाइड करवाई गई है, यहाँ पर भी कोई भी स्क्रैचेस नहीं। अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड के बारे में, तो 6.1 इंच की आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ पर भी कोई भी स्क्रैच नहीं है। अगर मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास 12 मेगापिक्सल्स का है, इसके साथ काफ़ी बड़ी सी नोच आपको 11 में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करते ना भाई इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो यार आप YouTube में इसमें HDR तक प्ले कर सकते हो बिना किसी जिटर के। एंड जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी वो काफ़ी प्यारी निकल कर आती है, LCD डिस्प्ले है, उसके बावजूद भी जो कलर्स है, जो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, वो काफ़ी प्यारे निकल कर आई है, काफ़ी पंचे से निकल कर आ रही है। तो अगर आपको ये मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए भी लेना है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ में या फिर मल्टीटास्किंग में आपका डिवाइस कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसमें आपको एप्पल की 13 बायोनिक चिप देखने के लिए मिल जाती है। एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास है ये 128 GB वाला वेरियंट, तो ये काफ़ी स्मूथ फील हो रहा था। मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन को यहाँ पर एक साथ खोल कर रखा, बाकी रिसेंट्स में अगर मैं जाता था तो वहीं से एप्लीकेशन स्टार्ट होती थी जितनी उसकी लोडिंग हो चुकी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है या फिर आपको डे टू डे लाइफ में, तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, या आपका डिवाइस काफ़ी अच्छा साथ देने वाला है। बाकी ओवरऑल जो उसकी डिस्प्ले है वो आपको 60Hz की देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर हम कैमरे की बात करते हैं, तो कुछ कैमरा सैंपल्स ये रहे। तो भाई जो ये वाली वीडियो शूट हो रही है, ये हो रही है फिलहाल आईफोन 11 के बैक कैमरा से। एंड जो रेजोल्यूशन है वो है 4K 60fps। तो आप इसकी कैमरे क्लियरिटी वगैरह चेक कर सकते हो, साथ ही साथ में जो माइक्रोफोन है वो भी इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन है, तो ऑडियो क्वालिटी भी कैसी है वो सब भी आप मुझे बता सकते हो। तो भाई जो ये वाली वीडियो शूट हो रही है, ये हो रही है आईफोन 11 के फ्रंट कैमरे से। एंड रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो भाई ये है 4K 60fps पर। तो अब बात कर लेते हैं जिस बात के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी गेमिंग के बारे में। तो बात करते हैं अगर ग्राफिक्स को लेकर, तो यार आईफोन 11 में मैंने जैसे आपको बताया है A13 चिप है, तो स्मूथ पर आपको एक्सट्रीम मिल जाती है, बैलेंस पर एक्सट्रीम आपको मिल जाती है, HDR एक्सट्रीम है, यहाँ तक कि अल्ट्रा HD पर आपको अल्ट्रा तक के ग्राफिक्स देखने के लिए मिलती है। यानी नॉर्मल में आपको नॉर्मल गेमिंग में 60fps आराम से प्रोवाइड करवा देगा। बाकी कुछ गेम प्लेज है या कुछ TDMs है जो कि मैंने इसे डिवाइस में प्ले करे हैं, तो आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है। Watch out! Down! Cover me!
You're about to win. The blue team is about to win. Reloading. No mercy. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Blue team victory. अब हम इसके ग्राफिक्स को जरा अपग्रेड कर लेते हैं, देखते हैं कि हाई ग्राफिक्स में कैसा गेम प्ले निकाल कर देता है। Marked a location. Be careful. You're losing the game. सो गाइज, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उस वाली बात के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड भाई, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ग्रे कर दो भाई। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पर्सनली आपको ये वाला आईफोन 11 कैसा लगा, एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस आईफोन पर देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। बाकी तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।